बॉस बॉलीवुड में एक ऐसे सॉलिड कलाकार हैं जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं था और उनका नाम है आयुष्मान खुराना। कभी वो लेके आते हैं विकी डोनर, तो कभी लेके आते हैं अनेक, तो कभी डॉक्टर जी, तो कभी अंधाधुन। इसी तरह से एक और मूवी वो लेके आ गए हैं, एन एक्शन हीरो। तो हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। करते हैं हम लोग सीधी बात, नो बकवास। बॉस मैंने फाइनली एन एक्शन हीरो देख लिया जो कि थिएटर में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इस मूवी को देखने के लिए 2 घंटे 10 मिनट देना होगा और इसका आईएमडीबी रेटिंग 8.2 जा चुका है 10 में से। इसका मतलब कि ऑडियंस को, पब्लिक को ये मूवी पसंद आ रहा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब मैं ये मूवी देखा तो मेरे को स्टोरी लाइन कोई उतना अच्छा नहीं लगा। ये एक रिवेंज बेस्ड मूवी है, मगर इस मूवी में जो अपने मेन कास्ट है, आयुष्मान खुराना भाई बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिए हैं और उनके साथ उनके जो को एक्टर हैं जयदीप अलावा जी, वो तो और भी भयानक चुम्बेश्वरी, एक एटम बम की तरह, एक बिरयानी के जैसा, एक दाल फ्राई से भी सॉलिड स्क्रीन प्ले दिए हैं। आप पूछिएगा कि मैं जयदीप जी का इतना बड़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो हरियाणवी लैंग्वेज पकड़े हैं भाई, इतना अच्छा डिलीवर कर रहे थे, मत पूछिए, मतलब दिल खुश हो रहा था। और इस मूवी का जो प्लॉट क्या बोलता है, जो अपने आयुष्मान खुराना रहेंगे, एक एक्शन हीरो रहते हैं उस मूवी में और उनका यूथ आइकन बहुत ही सॉलिड रहता है, उनको सब बोलता है मानव मानव, मेरे भगवान है, मेरे कलाकार हैं। उसी बीच में वो हरियाणा में जाते हैं और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, और वहाँ पे क्या होता है कि जो अपने जयदीप अलावा जी हैं उनके मूवी में जो छोटे भाई रहते हैं उनका हो जाता मृत्यु। अब ये पूरा मूवी अब चलेगा राउंड एंड राउंड कि ये मर्डर कौन किया है, ये एक्सीडेंट कैसे होता है और ये साजिश चलेगा खोजने का। पुलिस पड़ जाएगा आयुष्मान खुराना के पीछे, जयदीप जी पड़ जाएंगे किसके, आयुष्मान खुराना के पीछे। और पूरा ये मूवी को देखना होगा 2 घंटे 10 मिनट लगा के कि लास्ट में क्या होता है। अब इस मूवी में सबसे अच्छा बात ये है कि इसका BGM और म्यूजिक आपको हर फ्रेम का, हर सेकेंड का डिफरेंट डिफरेंट चेंज होगा और बहुत ही कान में आपको जो उसका धमाका और गूंज लगेगा बहुत ही प्यारा लगेगा और मूवी देखने का इंटरेस्ट पकड़ लेगा, इवन दो कि स्टोरी लाइन कमजोर है और आप 2 घंटे 10 मिनट पूरा खत्म हो जाएगा। अब वहीं पे इसमें फालतू का आइटम सॉन्ग दो दे चुका गया है जो कि वो नहीं भी रहता, वो सिचुएशन में ऐसा एडजस्ट भी नहीं हो रहा था और बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं लग रहा था, मगर जो आइटम सॉन्ग कर रही थी वो अच्छी लग रही थी। अब ये देखना होगा आपको मूवी की कौन कर रही थी। अब इसमें किसी अपने बॉलीवुड के एक कैमियो है, बॉलीवुड के सुपरस्टार का, अब वो किसका कैमियो है, कैसे है, वो भी ठीक ठाक लगा। और इस मूवी का सबसे अच्छा बात है कि इसमें आपको एक्शन दिखाया जाएगा, ग्लैमर दिखाया जाएगा और कॉमेडी का तड़का लगा के, सस्पेंस लगा के सब मूवी को बिल्डअप कर दिया गया है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो अपने हमारा न्यूज चैनल रहता है, एक एंकर रहता है, कैसे किसी को पटाखे की तरह फाड़ सकता है तो किसी को रॉकेट की तरह ऊंचाई पे लेके जा सकता है, ये भी इस मूवी में दिखाया गया है। और इसका जो टोन चल रहा था, डार्किस्ट टोन और अपने आयुष्मान खुराना स्क्रीन प्ले तो बहुत अच्छे से दिए हैं, मगर वहीं पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो अलग लेवल लेके जा रहा था, जो उस मूवी में एक एक्टर का भी स्क्रीन प्ले दिया है और बहुत अच्छे से अपने अंदर अडेप्ट करके हम लोग को डिलीवर कर रहे थे और हम लोग को देखने में बहुत मजा आ रहा था। मगर स्टोरी लाइन में कोई भी दम नहीं है, वही घिसा पिटा स्टोरी है। तो क्या ये आप अपने फैमिली वाले के साथ देख सकते हैं? तो डेफिनेटली देख सकते हैं, ऐसा प्रोविडेंट सी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी नहीं है। सबसे अच्छा बात, आयुष्मान खुराना का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, जयदीप जी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, BGM बहुत अच्छा है और गाना बहुत घटिया है, आइटम सॉन्ग नहीं होना चाहिए, मगर आइटम सॉन्ग की जो एक्ट्रेस है वो अच्छा है, कॉमेडी अच्छा, तो डेफिनेटली वन टाइम वॉचेबल है। और मैं 5 में से कर देता हूँ 2.5 स्कोर, एक बैलेंस स्कोर, और ये बहुत जल्द आपको नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा और ये 45 करोड़ में मूवी बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय, एंजॉय।